हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोटीज टेक्नोलॉजी चैनल। सो भाइयों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप 6000 के रेंज में किलर स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल परचेस करना चाहते हो तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में एक दो हफ्ते में ही देखने के लिए मिल जाएगा टेक्नो स्पार्क 90 मोबाइल, जो की टेक्नो स्पार्क 9 के तरफ से आपको तीन मोबाइल देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में। और ये मोबाइल है 9, 9 प्रो, 9 टी, तीन मोबाइल आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्राइसिंग कहीं ना कहीं आपको 8 से 9 हजार देखने के लिए मिल जाएगा, 6 हजार देखने के लिए मिल जाएगा। किलर स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा कैमरा वाइज, बैटरी वाइज, डिस्प्ले वाइज। सो सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल में, उसके पहले आप अगर चैनल पे तो न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल के बारे में। तो इसमें आपको फुल प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपको 9 प्रो का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा वैसे इसका डिजाइन सेम देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा फ्यूचर में थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन इसमें आपको फुल प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा, ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, सेटअप तो आपको दो ही देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा एलईडी फ्लैश लाइट के साथ, डाउन साइड इसकी ब्रांडिंग है। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाएगा, वाटर ड्रॉप नॉच है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से गुड लुकिंग फोन है तो आपको ज्यादा कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.6 इंच का एचडी प्लस रिजोल्यूशन वाला आईपीएस एलसीडी पैनल। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले काफी अच्छा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा, 8000 में चलेगा, इनफ है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो अच्छी बात है। फुल एचडी का आपको सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप पे डिपेंड करता है आपको अच्छा लगता है नहीं। अच्छा तो सभी को लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी कमी है, लेकिन आपको प्राइस पॉइंट अच्छा मिलता है। चिपसेट में आपको मिल जाएगा हीलियो G37 के चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से गेमिंग अच्छे खेल सकते हो, और फ्री फायर खेलोगे तो आपको हल्का फुल्का लैग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऑल ओवर इसमें आपको डिसेंट गेमिंग खेल सकते हो। कैमरे में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 30+2+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको एक्सलेंट वाटर ड्रॉप नॉच वाला कैमरा देखने के लिए मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। जी हाँ गाइस, 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, क्योंकि फ्रंट का कैमरा एक्सलेंट निकाल के देगा। और इस प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं आपको 15000 के रेंज में ऐसा कैमरा भी देखने के लिए नहीं मिलता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो इसमें आपको कैमरा काफी अच्छा मिल रहा है फ्रंट का, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है इसमें देखने के लिए मिलेगा, यूएसबी टाइप सी के साथ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, फेस लॉक और सभी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डेडिकेटेड सिम स्लॉट। और ज्यादा इसमें कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा, प्राइस पॉइंट इसका कहीं ना कहीं 8000 होने वाला है, लेकिन ये अदर्स कंट्री में एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है 4128, और इंडिया में आपको कहीं ना कहीं दो वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, 4128 और 464। सो बेस वेरिएंट का प्राइस 464 का प्राइस कहीं ना कहीं 7500-8000 होगा। इस प्राइस रेंज में इस मोबाइल को डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। सो इसी के साथ आपको 9 सीरीज का तीन स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा, 9, 9 प्रो, 9 टी, तो तीनों में से आपको कोई भी परचेस कर लेना चाहिए। अगर आप तीनों का रिव्यू जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बस। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को अगर आप न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और जो आप ओल्ड हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।